नमस्कार दोस्तों, 11 जनवरी 1966 भारत के लिए वो दिन जब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भारत पाक युद्ध को रोकने के लिए ताशकंद जाते हैं ताशकंद समझौते के लिए। ताशकंद समझौते पर साइन होने के ठीक 12 घंटे बाद यानी कि 11 जनवरी 1966 रात 1:32 पर हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यह हकीकत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोलने लग रहा हूँ, आखिर उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं हुई तो आखिर कैसे हुई। दोस्तों आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि कोई प्रधानमंत्री अपने पूरे होशो हवास में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करता है और ठीक 12 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। सच बताओ दोस्तों तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई ये आज तक किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि उस समय के सरकार को भी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इनकी मृत्यु पर कई तरह के फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा चुकी है, लेकिन किसी में भी उनकी मृत्यु के राज को नहीं खोला गया। उनके मृत्यु को लेकर कई तरह के आर्गुमेंट दिए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यह दिया जाता है कि ताशकंद समझौता ही उनकी मृत्यु का कारण बना होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के मिस्टीरियस घटना को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का राज आज भी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया। अगर तलवार के नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। उनके आगे कहानी जानने से पहले हम थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के एक मुगल सराय जगह में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो कि एक प्राथमिक स्कूल के टीचर थे, और उनकी माँ का नाम राम दुलारी था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का जीवन बहुत ही दुखद रहा है। शॉर्ट में बताऊं दोस्तों तो जब वो 18 महीने के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब उनकी माँ उनकी परवरिश के लिए उनको नाना के यहाँ लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उनके नाना की मृत्यु कुछ समय बाद हो जाती है। अब उनकी परवरिश के लिए उनकी सहायता करते हैं रघुनाथ प्रसाद, जो उनके मौसा थे। लाल बहादुर शास्त्री अपनी प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल में ही करते हैं। उसके बाद वह काशी विद्यापीठ जाते हैं, जहाँ उनको शास्त्री की उपाधि प्राप्त होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री कट्टर गांधीवादी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लगभग सभी कार्यक्रमों और आंदोलनों में उनका भागीदारी बराबर की रही है। स्वतंत्रता संग्राम का कुछ आंदोलन जैसे 1921 का असहयोग आंदोलन और 1930 का दांडी मार्च, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को उलझता देख महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन और करो मरो का नारा दिया। वहीं 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी इलाहाबाद पहुंचकर महात्मा गांधी जी के करो या मरो नारा को मरो या मारो में बदल दिया, जिसे आंदोलन का बहुत ही अच्छा स्वरूप देखने को मिला। तो शास्त्री जी के राजनीतिक निर्देशों में पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद भल्ला पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। अब आता है उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, 1964। उनकी साफ सुथरी छवि के कारण 9 जून 1964 को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 27 मई 1964 ये वो दिन था जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है। अब दोस्तों जब भी किसी प्रधानमंत्री का मृत्यु पद पर रहते हुए होता है तो उनके कार्यकाल बचे रहने पर तत्कालिक रूप से किसी न किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यहाँ तत्कालिक रूप से गुलजारी नंदा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जब तक कि कोई नए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो जाए। अब यह बड़ा सवाल था कि भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तीन नाम सामने आ रहे थे, जयप्रकाश नारायण, गुलजारीलाल नंदा और मुरारजी देसाई। उस समय के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री पद के लिए ये तीन नाम बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे, लेकिन फिर भी लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया गया। अब यह बड़ा सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री को अपने पुत्र के रूप में देखते थे, इसलिए उनके मन में यह कहीं न कहीं था कि भारत का अगला प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि धीरे धीरे उनका मत बदलने लगा था जब इंदिरा गांधी पार्टी ज्वाइन करी थी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि लाल बहादुर शास्त्री का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलता जुलता था और भारत को इन्हीं के जैसा प्रधानमंत्री चाहिए था। और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत ही लंबे समय से रहे थे और उनकी छवि भी देश के प्रति अच्छी रही थी, इसलिए फाइनली 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद पाकिस्तान और कई बड़े देश जैसे अमेरिका, चाइना और रूस को यह लगने लगा कि भारत अब कमजोर हो गया है, बेसिकली पाकिस्तान को। अगस्त 1965 7:30 PM पर पाकिस्तान अचानक भारत पर हवाई हमला कर देता है। Damage to the docks was devastating.
And many lives were lost north and south. उस समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने इस हमले को देखते हुए आपात बैठक की घोषणा की, जिसमें तीनों अंगों के प्रमुख और मंत्रिमंडल शामिल होते हैं। किसी कारणवश लाल बहादुर शास्त्री थोड़े देर से पहुंचते हैं और डिस्कशन शुरू होता है। तीनों सेना के प्रमुख हमले की स्थिति को बताते हैं और लाल बहादुर शास्त्री से कहते हैं कि आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी तत्काल डिसीजन लेते हुए कहते हैं कि आप बॉर्डर को संभालिए, हम देश को संभालते हैं। कहा जाता है कि इस युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बेहतर प्रदर्शन दिए थे और इसी समय शास्त्री जी ने देश के जनता को एकजुट करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। उधर इंडियन आर्मी पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर लाहौर तक पहुंच जाते हैं। अब पाकिस्तान डरने लगता है। वहीं इंडिया के आक्रामक स्थिति देखकर अमेरिका भी डर जाता है और अपने लोगों को लाहौर से निकालने के लिए युद्ध को कुछ समय तक रोकने के लिए अपील करने लगता है। अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान भारत के साथ पीस एग्रीमेंट की बात करने लगता है। इधर इंडियन आर्मी के चीफ जयंत दास चौधरी ने लाल बहादुर शास्त्री को गलत इन्फॉर्मेशन दिया कि अब हमारे पास ज्यादा दिन तक लड़ने के लिए हथियार गोले बारूद नहीं है। ऐसे देखा जाए दोस्तों तो लाल बहादुर शास्त्री भी शांति चाहते थे। इन दोनों कारणों को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री पीस एग्रीमेंट पर साइन करने को तैयार हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 1965 के समय भी चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लेकिन भारत के साथ अमेरिका के संबंध कुछ खास नहीं थे। 1965 में रूस उज्बेकिस्तान से अलग नहीं हुआ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि ताशकंद समझौता रूस में ही होना था। आर्गुमेंट यह भी है कि उस समय सोवियत संघ और अमेरिका अपने आप को सुपर पावर देश बताते थे और भारत पाकिस्तान के संबंध इन देशों से ठीक थे। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत को सोवियत संघ पर भरोसा था, इसलिए सोवियत संघ के ताशकंद में यह समझौता किया गया। 3 जनवरी 1966 को सोवियत संघ में ताशकंद समझौता के लिए पहल शुरू हो जाता है। रूस के पीएम कोसिजर दोनों देशों के वॉलंटियर को आमंत्रित करते हैं। पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान पहुंचते हैं, उसके कुछ समय बाद ही भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री पहुंचते हैं। शाम 4 बजे रूस के पीएम कोसिजर दोनों देशों के वॉलंटियर को अपने मीटिंग रूम में लेकर जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान कश्मीर के मुद्दा को भी उठाते हैं, लेकिन शास्त्री जी पहले ही कह देते हैं कि कश्मीर को लेकर यहाँ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि शास्त्री जी भारत के लोगों से वादा किए थे। कश्मीर को लेकर शास्त्री जी पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहते थे, नो वॉर क्रॉस का। नो वॉर क्रॉस का मतलब यह था कि अब से भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी युद्ध नहीं होगा कश्मीर को लेकर। दोस्तों शास्त्री जी के इस एग्रीमेंट पर अयूब खान साइन करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन भुट्टो अयूब खान को धमकाते हैं कि वो पाकिस्तान के लोगों को बता देंगे कि अयूब खान ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। यह सुनकर अयूब खान अपना मत बदल देते हैं। सारे बहस होने के बाद अब आता है वह दिन 10 जनवरी 1966, जब भारत के पीएम और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ताशकंद समझौता पर साइन करते हैं। ताशकंद समझौता पर लिखे सारे नियम को फॉलो करने को तैयार शास्त्री जी का मन एक चीज को मानने को तैयार नहीं था। एग्रीमेंट पर लिखा था कि अब भारत पाकिस्तान के बीच कोई लड़ाई नहीं होगा और भारत जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। यह एक चीज गलत हो रहा था भारत के साथ। भारत ने जो भी इस युद्ध में पाकिस्तान के जगहों को जीता था, इस एग्रीमेंट की वजह से उसे वापस करना पड़ रहा था। इस एग्रीमेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री चिंतित रहने लगे। अब उन्हें शायद यह बात सताने लगे कि अब वो भारत के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, उन्होंने जो किया शायद वह गलत है या सही। ऐसा भी कहा जाता है कि वह अपने डिसीजन को परखने के लिए अपने घर पे फोन करते हैं। उनकी बड़ी बहन फोन उठाती है और वो कहते हैं कि फोन अम्मा को देने के लिए, लेकिन उनकी बड़ी बहन कहती है कि अम्मा आपसे बात नहीं करना चाहती, वह आपसे नाराज है। कह रही है कि उसने भारत का नाम मिट्टी में मिला दिया, उसने अपनी जीत को हार में बदल दिया, उसने हमारा नाक कटवाया है, मैं उससे बात नहीं करूंगी। यह सुनकर शास्त्री जी बुरी तरह टूट जाते हैं और अंदरी अंदर बेचैन होकर रात भर कमरे के चारों तरफ टहलते रहते हैं। 11 जनवरी 1966 रात 1:32 पर पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के यह साबित कर दिया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। दोस्तों उनकी मृत्यु रहस्य तब बन जाती है जब उनकी बॉडी को भारत लाया जाता है। कोई भी उन्हें देखकर यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर कई तरह के आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। पहला यह आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि अगर उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था, और दूसरा उनकी मृत्यु का पता आसानी से चल सकता था अगर उनके बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाला जाता। तीसरा आर्ग्यूमेंट यह दिया जाता है कि जब भारत के लोगों ने रूस के डॉक्टरों से उनके मृत्यु की रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। वह कहने लगे अगर हमने यह रिपोर्ट पब्लिकली शेयर किया तो देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा। इन आर्ग्यूमेंट के कारण लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री यह मानने को तैयार नहीं थी
कि उनका मृत्यु नेचुरल हुआ है। इस बात का सबूत था उनके शरीर का नीला पड़ जाना। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि उनकी बॉडी पर कुछ खरोंच के निशान भी पाए गए थे। बॉडी नीला पड़ने के कारण ऐसा कहा जाता है कि शायद उनके खाने में किसी ने जहर मिला दिया होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उस दिन खाना उनको किसने खिलाया। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन उनका पर्सनल सेक्रेटरी रामनाथ ने खाना नहीं बनाया था, सोवियत संघ में भारत के एम्बेसडर कोल मुख जोन ने बनाया था। लाल बहादुर शास्त्री खाना खाने के बाद सोने चले गए थे। जब उनको पहली बार देखा गया तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु कई तरह के सवाल खड़ी कर रही थी कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। बॉडी नीला पड़ने के कारण यह मान लिया गया कि उनको खाने में जहर दिया गया होगा। उसने साफ तौर पर कह दिया कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु में इतने रहस्य है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर उनके मृत्यु का कारण क्या है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री को पहले से ही हार्ट की बीमारी थी। 1959 में उन्हें पहला हार्ट अटैक पड़ा था, जिसके बाद डॉक्टर उन्हें कहा था कि आप अपना वर्कलोड कम कर दीजिए। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री कतई मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी मृत्यु नेचुरल तरीके से हुई है। उनके मौत पर दावे इस तरह से किए जा रहे थे जैसे उनको किसी पर शक हो। अगर उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने जहर दिया हो। यह भी बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी तो उनके बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया और डॉक्टर ने उनका रिपोर्ट क्यों जारी करने से मना कर दिया। आखिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई होगी, नीचे हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।